क्वेश्चन नंबर एट को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पर तक है। क्वेश्चन नंबर एट, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। के बाद पेज के बाद अगला पेज देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर एट ही है। आप देखते हैं कि बिल्कुल सिंपल रखा हुआ, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया गया। आप भी सिंपल तरीके से पेपर को तैयार करेंगे तो वो अच्छा भी लगेगा। आप अगर कहीं से देख कर लिखते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके अपने वर्ड्स भी बीच बीच में हो, ताकि टीचर को पता ना लग जाए कि आपने जो है कहीं से देख के किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9, इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर क्वेश्चन है ये। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए पहला पॉइंट ये है। उसके बाद अगला अगला देखते हैं, ये रहा। अब ये सेकंड पेज है क्वेश्चन नंबर 9 का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। के बाद अगला देखिए, ये भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर ही क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा तो लैब टू फील्ड जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर ही आता है। के बाद आगे यहाँ पर अभी लास्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 9 का, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया और अब आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइंटिफिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स बाय सोसाइटी एंड सोशल नीड्स, सोसाइटी और सोशल नीड्स के बीच में जो साइंटिफिक रिलेशन है उसके बारे में जो है बताया गया है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट देखिए, ये रहा। उसके बाद लास्ट पेज है शायद, जी हाँ। और इसके बाद फिर वापस ये जो है वायर इसको अटैच कर देंगे। अब उसके बाद फिर इनको आप थ्रेड से, आप धागे से, आप अच्छी तरह से करेंगे, आप अच्छी तरह से इनको अटैच कर देंगे धागे की सहायता से। और उसके बाद फिर इसको आप अपने रीजनल सेंटर में जाकर जमा करवा देंगे। इग्नू में असाइनमेंट को सबमिट किस तरह से किया जाता है, ये आपने वीडियो देखा कि इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और किस तरह से असाइनमेंट को सबमिट करवाना है उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं चौहान स्टडी वीडियोस इसी चैनल पर। धन्यवाद।